Hello friends, welcome to my channel. In this video, we will do the question answers of chapter Kathmandu. In the previous video, we have done the explanation of poem, A Slumber Did My Spirit Sow. So friends, इस वीडियो में हम काठमांडू चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एंड देन जब इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम जो हमारी पोएम है स्लम्बर वाली वो हम उसके क्वेश्चन आंसर्स तब करेंगे. ओके सो इसके क्वेश्चन आंसर्स करना स्टार्ट करते हैं. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टू टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन द काठमांडू. हमें बताना है जो ऑथर उन्होंने कौन से दो टेम्पल घूमे थे, कहाँ पर गए थे दो टेम्पल्स में. सो वेरी सिंपल आंसर, पशुपतिनाथ टेम्पल एंड बुद्धनाथ स्तूपा. पशुपति नाथ एंड बुद्धनाथ स्तूपा. Very simple answer. Now our second question is also similar to the first, and it means that it is very simple. So what is this? Ki author ne kya matlab jo ye all this I watched down Coca-Cola, yani ki all the just sentence yahan par maine short mein likha all this and that the dash refers to. To kisse refer karta hai? Marzipan ko jo unhone khayi thi. It refers to marzipan. आप चाहें तो इसकी डिटेल भी पूरी जो उन्होंने मार्जिपन के बारे में बताई थी कि जो मार्जिपन है रोस्टेड टाइप की होती है, एक कॉर्न वाली होती है. चलिए लिख ही देते हैं. अ कॉर्न ऑन द कॉब, अ कॉर्न ऑन द कॉब क्या होता है, यानी कि ये जो है ये कॉर्न की बनी हुई होती है. और क्या होता है इसमें, रोस्टेड इन अ चारकोल स्टोव. रोस्टेड ऑन अ चारकोल स्टोव. चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सो फ्रेंड्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वॉट डज विक्रम सेठ कंपेयर टू द क्विल्स ऑफ पॉक्यूपाइन. सो आप लोग सोच रहे होंगे ये पॉक्यूपाइन का क्या, जो यहाँ पर क्विल्स वर्ड है, क्विल्स का क्या मतलब है. क्विल्स का मतलब होता है कांटे, यानी कि यहाँ क्योंकि देखिए लिखा ही हुआ है क्विल्स ऑफ पॉक्यूपाइन. सो हम लोगों को पता है क्विल्स ऑफ पॉक्यूपाइन यानी कि पॉक्यूपाइन से तो करेंगे नहीं, पॉक्यूपाइन के जो कांटे होते हैं, यानी कि मान लीजिए पॉक्यूपाइन तो ऐसे ऐसे जो इसके कांटे निकले रहते हैं बॉडी से, बॉडी पे, तो इन्हें किससे वो कंपेयर कर रहे हैं, इन्हें किससे कंपेयर कर रहे हैं. मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में भी इसी टाइप से डायग्राम के थ्रू बताया था, तो ये आपको आई थिंक याद आ गया होगा किससे बताया था मैंने आपको. सो ये मैंने आपको बताया था एक पोल, जहाँ जिस पोल से काफ़ी सारी बांसुरियाँ बाहर की तरफ निकल रही थी, फ्लूट्स. बट हम आंसर में बांसुरियाँ लिखेंगे, बांसुरीज. ओके सो लिखना हम शुरू करते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे रब कर देते हैं. चलिए सो आंसर लिखना शुरू करते हैं. ही कंपेयर्स the quills to the two many bansuris which were protruding. क्या
अटैक हो रही थी वो प्रोट्रूड, प्रोट्रूड का मतलब होता है इधर उधर अलग अलग डायरेक्शन में निकलना, प्रोट्रूडिंग इन ऑल डायरेक्शंस जो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही थी फ्रॉम द पूल ऑफ अ फ्लूट सेलर फ्रॉम द पूल ऑफ अ फ्लूट सेलर। सो अभी तक हमारे सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब देखते हैं आगे बड़ा होगा या छोटा होगा क्वेश्चन, नेक्स्ट करते हैं यानी ये। सो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज आवर फोर्थ क्वेश्चन, नेम फाइव काइंड्स ऑफ फ्लूट्स। सो ये जो फ्रेंड्स क्वेश्चन है ये आपको अपनी एनसीईआरटी बुक में जो बीहाइव्स है उसके पेज नंबर 130 पर मिल जाएगी देखने को। देखिए ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें री ने ये वाला, यहाँ से आंसर शुरू होता है क्योंकि यहाँ से डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लूट हमें पता चलेंगी। सो चलिए आंसर लिखना शुरू करते हैं। सो हमारी जो पहली फ्लूट है वो है रीड ने द रिकॉर्डर द जैपनीज शाह कुहाची। तो चलिए आंसर लिखते हैं द फाइव काइंड्स ऑफ फ्लूट्स आर फर्स्ट रीड ने द जापानीज शाहकुची शाकुहाची देन सेकेंड है द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक द डीप बांसुरी द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तान थर्ड इज ब्रीथी फ्रूट्स ऑफ साउथ अमेरिका। यहाँ पर क्लियर भी लिखा है, क्लियर और ब्रीथी कुछ भी लिख सकते हो, ब्रीथी फ्रूट्स ऑफ साउथ अमेरिका। देन है हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट, हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट। एंड फ्रेंड्स ये फिफ्थ ही है जो ये रीड ने है ना, ये तो ये जो है ये एक फ्लूट का ही नाम है। ये अलग है ये, यानी कि ये थ्री है फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। ओके जापानी शाहवाजी ये सेकेंड नंबर की है, रीड ने ये एक अलग फ्रूट का नेम है। सो हो गई हमारी अब फाइव। चलिए फ्रेंड्स अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।